नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। दोस्तों, आपके इतने ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं काफ़ी चीज़ों को लेकर के, और हर एक कमेंट में क्वेश्चंस आ रहे हैं कि भाई इस गाड़ी में कौन सी किट लगाएं, इस गाड़ी में कौन सी किट लगाएं। तो बहुत सारे मेरे प्रीवियस वीडियोज़ हैं, अगर आप उनको एक बार देख लेंगे तो आपको 90% तक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बहुत अच्छी जानकारी मिल जाएगी CNG से रिलेटेड, किट से रिलेटेड, CNG कार से रिलेटेड। पर फिर भी आपके क्वेश्चंस इस तरीके से आ रहे हैं, तो मैं बताना चाहता हूं आज इस वीडियो में कि मारुति कार के लिए, यानी कि मारुति के ब्रांड के लिए, आप हैचबैक के लिए और सेडान के लिए दोनों ही चीज आ जाती है, इसमें कौन कौन सी किट ऐसी रहने वाली है जो बेस्ट है, आप आंख बंद करके लगवा सकते हैं। उसके बाद आपको ये कमेंट करके ही नहीं पूछना पड़ेगा कि मेरी मारुति की स्विफ्ट है या मेरी मारुति की एस्प्रेसो है या मेरी मारुति की सियाज है, इसमें कौन सी किट बेस्ट रहेगी। तो मारुति कार्स के लिए, जिनके पास भी मारुति कार्स हैं, मारुति की कार्स हैं, तो उनके लिए कौन कौन सी किट ऐसी हैं जो वो इंस्टॉलेशन करा सकते हैं, जिनका जो लाइफ है बहुत अच्छा रहेगा, सॉफ्टवेयर कनेक्टिविटी बहुत अच्छी रहेगी, कंपैटिबिलिटी बेस्ट रहेगी और सालों साल चलेगी अगर आप अच्छे तरीके से उसको चलाते हैं। शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत सारी CNG से रिलेटेड, नई गाड़ियों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, जो कि एक सटीक होती है, जिस पर रिसर्च की हुई होती है। ऐसा नहीं कि कोई भी वीडियो मैं आंख मूंद करके, मैंने जैसे भी देखा इधर उधर से वो मैंने बता दिया। हालांकि कुछ वीडियोस ऐसे होते हैं, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार में कन्वर्जन के बारे में, तो ये चीजें मैंने डिप्थ इसकी स्टडी करी थी, इनके कंपनी वालों से बात करी थी, उसके बाद जाकर के आपको मैंने ये वीडियो बना करके दिया था। बट जो CNG से रिलेटेड होते हैं, इसमें एक रिसर्च की जरूरत होती है कि कौन सी किट कौन सी कार के लिए बेस्ट रहने वाली है और किसमें किस कार के ECU की, मतलब किस CNG किट के ECU की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छे से मैच होगी, किसी तरह की जो दिक्कत ना आए आगे चल के। यूं तो लगने को तो कोई सी भी किट उठा के आप किसी भी गाड़ी में लगा दो, कोई समस्या नहीं आएंगी, चलेंगी, बट कुछ समय के बाद उनमें दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी, लैग होने लगेगा, पावर लैग होगा, झटके मारना, जर्क शुरू फील होना शुरू हो जाएगा आपको, और जो ECU से रिलेटेड प्रॉब्लम आने लग जाएगी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम, जस्ट बिकॉज कि वो कंपैटिबिलिटी पेट्रोल ECU के साथ मैच नहीं हो पाती है, उसको उसके साथ जो है उसका तालमेल नहीं बैठ पाता प्रॉपर। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं और बताना चाहूंगा कि मारुति की जितनी भी हैचबैक कार्स हैं, जो भी 1200 CC, 1000 CC, 800 CC, हालांकि 800 CC में ऑल्टो ही आती है बस, 1000 CC में बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं मारुति में, मारुति की वैगनार हो गई, एस्प्रेसो हो गई, आपकी सेलेरियो है, तो ये 1000 CC के इंजन आते हैं जिनमें की K10 इंजन है, के सीरीज के इंजन है, और उसके बाद ऊपर चलें तो 1200 CC के इंजन आ जाते हैं जो कि डिजायर में है, बलेनो में है, स्विफ्ट में है, तो ये होते हैं K12N इंजन आ रहे हैं, ये जो अब आ रहे हैं नए, ये आने लग गए हैं, तो ये BS6 के इंजन है, हालांकि K सीरीज के इंजन बहुत पहले से चला रही है मारुति, तो इनके लिए कौन सी किट। उसके बाद आ जाते हैं 1500 यानी 1400 CC के, जो 1467 CC के जो इंजन हैं, जो कि हैं आपके अर्टिगा के हैं, सियाज का है, एस क्रॉस का है, बहुत सारी ऐसी गाड़ी हैं, सेडान गाड़ियों में हो गई, हैचबैक इसमें विटारा ब्रीजा में है, तो ये 1400 CC से प्लस के इंजन है, इसमें कौन सी किट बेस्ट रहेगी ये मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों, जो भी 1000 CC के इंजन हैं, इसमें अगर आप लगाते हैं BRC जवोली बोरा, ये आप दो किट लगाते हैं, हालांकि ये एक दूसरे की डिपेंडेंट है, यानी कि एक दूसरे की पेरेंटल और चाइल्ड कंपनी है, बहुत बढ़िया इनकी कंपैटिबिलिटी आती है, ठीक है, ये आप लगाइए, बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा आपको, बेहतरीन जो है पिकअप भी आएगा और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आपको बेस्ट किट बता रहा हूं, लगने को मोटोजन भी लगती है, ऑटोमोटो भी लगती है, ई ग्रीन भी लगती है, आपकी मिजो भी लगती है, सभी बढ़िया है किट, कोई खराब नहीं है, ये बेस्ट किट हो गई। इसके बाद ऊपर चलते हैं एक स्टेप, 1200 CC के इंजन के लिए स्विफ्ट हो गई, आपकी डिजायर हो गई और दूसरी गाड़ियां हो गई जैसे बलेनो हो गई, इनके लिए क्या लगाएं, तो इनके लिए भी BRC आप लगाएं, BRC मिल जाए, BRC मिल जाए, जवोली मिल जाए, लोवेटो मिल जाए आपको, लोवेटो की EXR ब्लू बहुत बेहतरीन किट है, लोवेटो की आप ये मिल जाती है, लगा लीजिए। अगर ये तीनों में से आपको अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप क्या करें, तो फिर मैं आपको इंडियन किट्स में से बता देता हूं, हालांकि ये जो मैंने किट्स बताई ये इटालियन है, लोवेटो और जवोली और आपकी BRC, इनके बहुत सारे पार्ट्स जो हैं इटली से आते हैं, बट इंडियन किट्स बहुत सारी ऐसी हैं मार्केट में अवेलेबल, जैसे कि आपकी मोटोजिन, मीजो, ऑटोमोटो, ई ग्रीन,
ये सारी इंडियन किट्स हैं, इसके सिर्फ जो ECU हैं वही प्रोग्राम्ड हो करके इटली से आते हैं। तो इनमें अगर आपको, अगर मान लो BRC ज़वोली या फिर लोवेटो की अवेलेबिलिटी नहीं है, नहीं मिल रही है आपको, तो इनमें से कौन सी लगा सकते। तो आप 1000 CC की गाड़ी में मीजो की प्रीमियम, मोटोजिन और क्या कहते हैं ये ऑटोमोटो, ये भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं 1200 CC में इंडियन किट कौन सी लगा सकते हैं आप। तो इसके लिए आप लगा सकते हैं एक तो मीजो प्रीमियम, मोटोजिन और साथ ही साथ एक है टोमेसिटो की जो किट है, टोमेसिटो अर्जेंटीना उसको बोला जाता है, हालांकि वो भी इटालियन किट ही है, तो वो आप लगा सकते हैं, वो भी बहुत बेहतरीन चलने वाली है, ठीक है। अब आ जाते हैं एक स्टेप ऊपर जो कि है 1400 CC प्लस, यानी 1400+ CC के इंजन्स हैं, जैसे कि आपके ब्रीजा हो गई, अर्टिगा हो गई, इनमें कौन सी किट लगाई जाए। तो इनके लिए अगर अवेलेबिलिटी है तो लैंडी रेंजो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लैंडी रेंजो मिल जाए, लोवेटो की EXR, BRC, ये मैं चॉइसेस बता रहा हूं जो इटालियन किट्स हैं इनके। आप इंडियन किट्स इसमें अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि ये जब थोड़े बड़े साइज के इंजन है, चलेगी इंडियन किट भी अच्छी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट समय के साथ साथ अगर कोई इशू आने लगता तो आप बोलेंगे मेरे को कि आपने सजेस्ट करी थी। और किसी की भी मोटी रकम, किसी की भी गाड़ी कमाई मैं वेस्ट नहीं जाने देना चाहता, मैं चाहता हूं सबको जो एडवाइस दूं वो सटीक हो। हालांकि हर व्यक्ति जो है बहुत मेहनत करके पैसा कमाता है और बहुत मेहनत कर करके एक एक रुपया जोड़ता तब जा करके CNG किट कोई इंस्टॉल करा पाता है, और CNG किट्स इस समय पे महंगी भी इतनी हो गई है कि हर व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है और बहुत ज़्यादा ये डिसीजन लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि यार 50,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। तो एक जानकारी अगर सही मिले तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इनके लिए मैंने बताया जैसे कि आप 1400 CC प्लस जो इंजन हैं इनके लिए लोवेटो की EXR लगा सकते हैं, BRC आप यूज़ कर सकते हैं, और ये लैंडी रेंजो अगर मिल जाए तो वो बहुत अच्छी बात है। हाँ, इसमें आप टोमेसिटो को भी इंस्टॉल करा सकते हैं, टोमेसिटो का जो सॉफ्टवेयर है ECU का, जो इसमें ECU लगा हुआ है, जो इसके साथ ECU, वो भी बहुत अच्छा है आपकी बड़ी 1400 CC की गाड़ियों के साथ, ये आप लगवा सकते हैं। हाँ, टर्बो इंजन्स के लिए बहुत कस्टमर पूछ रहे हैं, बहुत व्यूअर्स मेरे पूछ रहे हैं टर्बो इंजन्स में कौन सी किट लगाई जाए। देखिए, टर्बो इंजन्स का मुझे अभी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है, मैं आपको क्लियरली बताऊं, टर्बो इंजन्स जो एक दो इंजन्स हैं जिसमें अभी तक सक्सेस है, जैसे कि टर्बो में आपकी नेक्सॉन आती है, उसमें सक्सेस हो जाती है लोवेटो की किट, तो आप उसमें लगवा सकते हैं। टर्बो की वेन्यू आती है और टर्बो की अनेक तमाम गाड़ियां आती है, जैसे वॉक्सवैगन की भी कुछ गाड़ियां आ रही हैं टर्बो में, तो उनमें मैं डाउटफुल हूं क्योंकि मुझे अभी तक इसका लॉन्ग टर्म का फीडबैक नहीं लिया है मैंने इसमें, तो इसीलिए मैं आपको ये गाइड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए गाइड करना एक तरीके से गलत मैसेज होगा आप तक देना कि हाँ भाई इसमें आप ये लगवा लो, इसमें आप ये लगवा लो, आंख बंद करके मैं नहीं कहना चाहता कोई भी चीज़। तो इसलिए हाँ, अगर टर्बो की इंफॉर्मेशन किसी और बंदे के पास है या किसी के कोई आपको डीलर कहता है कि मैं टर्बो इंजन्स वेन्यू में लगा के दूंगा, टर्बो इंजन्स पोलो में लगा के दूंगा, और बहुत सारी गाड़ियाँ टर्बो के साथ आ रही उनमें लगा के दूंगा, तो आप उनसे एक बार पता कर लीजिए और कन्फर्म कर लीजिए कि वाकई में टर्बो कामयाब, टर्बो इंजन्स के अंदर CNG कामयाब है कि नहीं। अगर कामयाब है तो आप लगवा लीजिए, उनकी एडवाइस है, और एडवाइस अगर उनमें लगता है डाउटफुली तो फिर आप रुकिए, तो फिर उसके लिए आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि टर्बो के ऊपर अभी मैं काम कर रहा हूं, उसके ऊपर अभी इंफॉर्मेशन देनी बाकी है, थोड़ा समय लगेगा इसके लिए, ठीक है। तो मारुति की जो मैंने किट्स बता दी है मारुति की गाड़ियों के लिए वो बता दी, सेडान कार्स में आपकी मारुति की सियाज है, इसमें भी आप चाहें तो इसमें लोवेटो EXR लगा सकते हैं, BRC लगवा सकते हैं, टोमेसिटो भी आप इसमें लगवा सकते हैं, बहुत बढ़िया किट है। हालांकि पहले जो कुछ ऐसा था कि चाइना से आ रही थी वो इशू थे, वो अब रिजॉल्व हो गए हैं, और इसमें आप गैस्टेक भी लगवा सकते हैं, गैस्टेक का 48 पिन का ECU है, इसका सॉफ्टवेयर, इसका जो ECU है बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है, बहुत अच्छा है अगर सेटिंग अच्छे से की हुई है। बहुत लोग गैस्टेक को एक बुरी नज़र से देखते हैं, चाइनीज किट है, ये है वो है, भाई साहब चाइना से तो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, चाइना से तो हमारा जो एक एक मोबाइल फोन है या एक एक जो छोटी छोटी बच्चे के टॉयज होते हैं ना, वो भी चाइनीज इंपोर्टेड है, चाइना में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। आप कहते हैं कि चाइनीज किट है नहीं लेनी, तो चाइना की टेक्नोलॉजी, अगर कोई चीज़ अच्छी है तो मैं उसको अच्छा ही बताऊंगा, चाहे भले वो किसी की भी देश की हो। तो जो गैस्टेक की है, इसका सॉफ्टवेयर अच्छा है, इसका ECU बहुत अच्छा है, अगर इसकी सेटिंग बहुत अच्छे से हो, इसकी प्रिसाइज ट्यूनिंग हो, तो बहुत बेहतरीन किट परफॉर्मेंस देती है आपको निकाल करके। हालांकि गैस्टेक की जो सेटिंग है वो अच्छे से हर कोई नहीं कर पाता, नॉर्मल डीलर क्या करेंगे, वो आपको सजेस्ट करेंगे इंडियन किट्स, जैसे कि ऑटोमोटो, E-ग्रीन, मोटोजेन, मीजो, तो ये सब किट्स हैं, डिजी फ्यूल, ये सारी किट्स हैं, इंडियन किट्स हैं,
इनको रेकमेंड करते हैं क्योंकि इनकी सेटिंग्स में इनके जो मैप सेंसर की सेटिंग्स होती है, इसके ईसीयू की जो प्रोग्रामिंग होती है इतनी ज्यादा टफ नहीं होती, 10 मिनट लगते हैं इसको सेटिंग करने में, सब कोई कर देता है, कोई अनपढ़ बंदा भी इसको कर देगा जो थोड़ा बहुत भी जाना होगा, जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज भी होगी। बट हाँ, जहाँ लोवेटो की बात आती है, BRC की बात आती है, गेस्टेक की बात आती है, टोमेसिटो की बात आती है, तो ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, इनका इनको प्रोग्रामिंग करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ जाता है। लोवेटो की XR ग्लू आ जाती है, और लोवेटो की COBD2 ये भी बहुत ज़्यादा टाइम लेती है सेटिंग्स में, तो इनके लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। इसीलिए बहुत लोग कहते हैं कि जी ये मत लगवाओ, ये लगवा लो, ये मत लगवाओ, ये लगवा लो, तो ये कुछ रीज़न भी रहते हैं, बहुत से लोग इसीलिए नहीं टच करते BRC को और लोवेटो को। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि मारुति की गाड़ियाँ जिसपे हैं उनको ये आंसर मिल गया होगा कि कौन सी किट बेस्ट है उनके लिए, कौन सी नहीं है। देखिए, इंडियन किट्स में मैंने आपको चॉइस बता दी है, इटालियन किट्स में मैंने आपको चॉइस बता दी है, और कार भी मैंने आपको एक ब्रेकअप दे करके बता दिया कि 1000 cc की गाड़ियों के लिए, 1200 cc की गाड़ी के लिए, और 1500 cc की गाड़ी के लिए, सब में आप जा सकते हैं, जो आपको ठीक लगे वो आप इंस्टॉल करा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, साथ ही साथ अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो एक बार फिर से बोल रहा हूँ, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और सुरक्षित चलें।